जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने बहुत ज़्यादा वीर नाश करके यदि अपने पाचन तंत्र को कमज़ोर कर लिया है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पेट साफ़ नहीं होता, कुछ भी खाते हैं शरीर को लगता नहीं है, ऐसे में क्या करें कि हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, यदि हमारा सुबह सुबह पेट साफ़ नहीं होता तो हमें भारी भारी सा फील होता है। यदि हमारा पेट साफ नहीं होता तो ऐसे में अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेने लगती हैं। जैसे यदि हमारा लीवर ठीक नहीं है तो बाल झड़ने की समस्या, शरीर में वीकनेस का होना, शरीर कमज़ोर हो जाना, चेहरे पे दाने निकल आना आदि अनेकों प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। लीवर हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है कि यदि वह स्वस्थ है तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं लगती। हम जो भी खाते हैं उसमें से पोषक तत्व निकालने का काम हमारा पाचन तंत्र करता है। जैसे यदि हम एक कोल्हू में यदि गन्ना डालते हैं और यदि कोल्हू में जान है तो वह गन्ने से पूरा रस निकाल देता है, वहीं यदि कोल्हू कमज़ोर है तो उसमें जो हम गन्ना डालेंगे वह बेकार जाएगा। ठीक ऐसे ही काम हमारा पाचन तंत्र करता है। लीवर को मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले, यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो इसका सेवन सदा के लिए छोड़ दें, क्योंकि इससे हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर बनता है। और सबसे बड़ी बात, आपको वीर नाश नहीं करना है और आपको ब्रह्मचर्य की लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। यदि आप मैगी, नूडल्स, पिज्ज़ा, बर्गर आदि का सेवन करते हैं तो इनका सेवन ना करें, क्योंकि यह हमारे लीवर को कमज़ोर बनाते हैं। और याद रहे, आपको चाय का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चाय हमारी भूख को मारती है। सुबह आप खाली पेट सेब का सेवन करें, इससे हमें खुल के भूख लगती है और हमारा लीवर स्ट्रांग बनता है। आप नित्य योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें, क्योंकि यदि आप घर में पड़े रहोगे, कुछ भी करोगे नहीं, इससे हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर बन जाता है और खाया पिया हमारे शरीर को नहीं लगता है। जब भी आप भोजन करें उसको खूब चबा चबा कर खाएँ, कम से कम 20 से 30 मिनट तक। जितना ज़्यादा सलाइवा यानी लार भोजन के साथ जाएगी, उतना ही भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा। यदि आप त्रिफला चूर्ण एक चम्मच गर्म पानी के साथ लेते हैं तो इससे भी हमारा पेट साफ हो जाता है। यदि आप अमरूद और अनार का रस यदि आप सेवन करेंगे तो इससे भी हमारा लीवर स्ट्रांग बनता है व हमारा पेट साफ होता है। याद रहे, खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन ना करें, बल्कि 1 से 2 घंटे बाद पानी का सेवन करें, क्योंकि यदि आप खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन करेंगे तो हमारा जो लीवर का पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए खाने के बाद तुरंत पानी का सेवन ना करें। और जब भी आप सुबह उठें, जितना हो सके पानी का सेवन करें और टहलें, इससे भी हमारा पेट साफ व लीवर स्ट्रांग बनता है। मित्रों, 2 इंच की जीव यानी रसना और 2 इंच की वासना, इन्होंने सारी दुनिया को पागल बना रखा है, और जिसने रसना और वासना को जीत लिया वह दुनिया जीत लेता है। मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को बताएं। इस वीडियो को युवाओं के पास जाना जाना शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल दूंगा आपसे फिर एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।